الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ये जो 10 दिन जिनकी शुरुआत है दिलहज्जा के वो दिन है जिन पर अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कसम खाई है और फरमाया वल फज्रि व लयालिन अशर, कसम है फजर के वक्त की और इन 10 रातों की. ये इतनी मुबारक रातें हैं कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और दूसरे उलमाए किराम ने मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो 10 दिन है जो अब शुरू हो चुके हैं और जिनका इख्तिताम अरफे पर होगा और उसके अगले दिन फिर ईद उल अज़हा होगी, फरमाया कि ये 10 दिन इसके दिन रमज़ान के रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों से बेहतर हैं. रातें अलबत्त रमज़ान की इसलिए बेहतर है कि उनमें लैलतुल क़द्र की अजीम रात है, लेकिन जो दिन है फरमाया कि वो इसके रमज़ान से भी बेहतर है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी दिन ऐसे नहीं है जिनके अंदर नेक अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद हो जितना इन 10 दिनों में होता है और रातों में. पूछा गया, सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह हत्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक जिहाद अल्लाह के रास्ते में भी? फरमाया हाँ, जिहाद से भी. तो जिहाद भी दूसरे दिनों में इतना अहम नहीं है जितने इन दिनों के अंदर कोई दूसरे नेक काम करना, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह के रास्ते में चला गया जिहाद के लिए, अपना माल अपनी जान और सवारी वगैरह सब कुछ कुर्बान कर गया. तो इसमें हम देखते हैं कि दिन के रोज़े एक साल रोज़ों के सवाब के मुताबिक उनका अजर दिया जाता है, और अगर आप देखते हैं तो रातें फरमाया लैलतुल क़द्र, हर एक रात लैलतुल क़द्र के मुताबिक या उसके बराबर सवाब मिलता है. और ख़ुसूसन फिर जो नौवा दिन है ज़ुल्हिज्जे का, जो कि ज़ाहिर है यहाँ यूके वगैरह में सऊदी और इन इलाकों में ये मंडे को होगा पीर के दिन, और पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादातर मंगल के दिन होगा. तो ये ईद से एक दिन कबल का रोज़ा तो फरमाया कि ऐसा है, सही अहादीस में बहुत सारे फजाइल के अलावा ये फरमाया कि जिस शख्स ने इस दिन रोज़ा रखा उसके एक साल असनत अल्लती मदत कि जो गुजर गया उस साल के, और अल्लती बादहा जो आने वाला साल है उनके अल्लाह सुबहान व तआला तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाते हैं. फिर चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करना, ये एक ऐसी सुन्नत है तकबीरात कहना. एक तो तकबीरात जो मुहद्दद है और मुअय्यन वक़्त है उनका, जिन्हें हमें अरफे के यानी नौवे दिन के फजर से लेके 13वें दिन इस महीने के उसके असर तक कहना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. ये तो हमने कहना है हर नमाज के बाद, ये वाजिब है ख्वातीन के लिए भी मर्दों के लिए भी. लेकिन इसके अलावा भी जो सुन्नत है जो लोगों ने मतरूक किया है, जो छोड़ गए हैं लोग, जो बहुत अहम है, वो ये है कि यही तकबीरात चलते फिरते रस्तों में बाजारों में गलियों में सहाबे किराम कहा करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर विल्लाहिल हम्द. जरूरी नहीं है कि बुलंद आवाज से कहें, लेकिन ये गैर मुतलक और गैर मुहद्दद तकबीरात जिसको कहते हैं कि ये मुतलक हैं, इनको टाइम के साथ पाबंदी नहीं है इनकी, बल्कि किसी भी टाइम आप इसको कह सकते हैं. इन ही दिनों के अंदर बहुत कुछ होता है अल्लाह सुबहानहू व तआला के फजल से, उसकी रहमत उसकी मग़फ़िरत उसका फजल उसका करम ज़मीन की तरफ बेहद मुतवज्जह होती है. और जो लोग हज में जाते हैं, जो खुशकिस्मत हैं, उनकी तो बात ही क्या है, लेकिन अल्लाह ताला वो लोग जो हज में ना जा सके उनकी भी उस बरकत से उस रहमत से उस खैर से उस फजल से महरूमी अल्लाह सुबहान व तआला को पसंद नहीं है. तो उनको भी उसमें बेहतरीन हिस्सा देने के लिए ये दिन और ये रातें बेहतरीन बनाई हैं. आइए इन रातों के अंदर हम कम अज़ कम
थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें। अगर पहले हम सिर्फ सुन्नत पढ़ते थे तो अब नफल पढ़ने का अहतमाम करें, पहले दो रकात नफल पढ़ते थे तो अब थोड़े से ज्यादा करके चार पढ़े, एक रुकू या एक रुबो एक क्वार्टर तिलावत करते थे तो आइए अब उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लें, क्योंकि ये मखसूस दिन मखसूस रातें हैं, इन्हें तो कम से कम इस तरह डील ना करें, इसके साथ ऐसा मामला ना करें जैसे कि आम रातें हैं। तो कोशिश हम ये करें कि जितने हमसे हो सके हम नेक आमाल इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि अल्लाह को इन दिनों के अलावा जो है किसी और दिन में नेक आमाल इतने पसंद नहीं है जितने इन दिनों में है। और तौफीक अल्लाह ही देता है, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, मुझे भी और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।